वरकातुहू। मेरे लास्ट ट्यूटोरियल के ऊपर मुझे बहुत सारी बच्चियों ने और कुछ अंकल्स ने भी आग बना के भेजी, विच वॉज रियली गुड। अब जो हमने लास्ट पेपर यूज किया था उसमें बहुत ज्यादा ग्रेन्स थे जिस पर हमने आग बनाई थी। अब मैं उसी पेपर की बैक साइड यूज करूंगी। तो आज हम आंख का पेरिफेरल व्यू बनाएंगे, आंख कैसे होती है और साइड से कैसे। हमारी जो आंख होती है इट्स समथिंग इन अ कॉर्निया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो सर्कल कितना बड़ा है। अंदाजन ये होगा एग्जैक्टली तो हमें इतना ही बड़ा जो है इसका रेटिना बनाना है। इट्स स्लाइटली बल्जिंग आउट और डेफिनेटली वो अंदर से भी फिर पूरा आप सर्कल ड्रा करेंगे। देन वी हैव अ प्यूपल इन आवर आई, लेट्स मेक इट हियर। ओके, ये तकरीबन इसका हाफ बनता है। तो हाफ से अब हमने ड्रा करना है इसका जो लिड्स होती हैं, जो अपर आई बॉल होती है ज्यादा कवर्ड होती है, वो दैट्स मोर कवर्ड देन द लोअर वन। और जो लोअर होती है वो तो अक्सर कुछ लोगों की टच करती है, कुछ की टच भी नहीं करती। और इसी तरह से इसके ऊपर जो लिड आती है वो बड़ी एक रिंकल्ड वो होती है। इसका एंगल और इसका एंगल हमने एक ही रखना है, सो विल कीप इट दिस एंगल। और जो नीचे वाली होती है अगेन दैट गोज आउट एंड इट कम्स लाइक दिस। तो अब हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने लाइन नहीं बनने देनी। पहले ना हम थोड़ा थोड़ा सा वो कर लें, लेकिन जी ये ऐसे करके तो हमने डिसाइड करना है कि हमने ये और यहाँ से आप समझें कि थोड़ी सी वो टेढ़ी सी जा रही होगी। अब हमारी जो यहाँ पर है वो टेल है, यहाँ पर हमारी आर्च है और यहाँ से हमारी आईब्रो जो है वो स्टार्ट होगी। डिस्टेंस जो है दैट इज अप टू यू कि आपने कैसा डिस्टेंस रखना है। हमारा जो रेटिना होता है उसके ऊपर अक्सर एक शेड सा आता है। अब इसके अंदर एक ऐसी शेड लाइन भी आती है दैट शोज कि यहां पर लाइट आ रही है। थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, लीविंग दैट लाइट एरिया वी डिफाइंड। अब हमने इसका जो अपर पोर्शन है इसको वी हैव टू मेक इट अ बिट डार्कर बिकॉज ये लिड से कवर्ड है, तो इट्स डार्कर देन द लेटर पार्ट। डेप्थ जो है वो नीचे शेड देने से आती है हमेशा। एंड देन वील डेफिनेटली मेक इट डार्कर फ्रॉम द एंड्स। हम इसका कॉर्नर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें इन लाइट्स को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें इनके अंदर हल्का हल्का सा ब्लैक भी डालेंगे। उससे ये होगा कि लाइंस जो हैं ये अलग अलग से हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमने अपनी पेंसिल को शेडिंग वाइज करना है और जैसे जैसे आगे जाना है हमने शेड कम करते जाना है। अब आप ब्लेंडिंग साथ साथ भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसकी ब्लेंडिंग जो है वो साथ साथ कर दूं। ट्राई टू मूव फ्रॉम लाइट टू डार्क शेड। ओके, अब हमने छोटी सी वेन्स बनानी है। वेन्स जो है वो हमारी आंख में, कुछ की आंखों में ज़्यादा जब रोते हैं तो ज़्यादा नज़र आती है, कुछ की आंखों में आती है, कुछ की आंखों में नज़र नहीं आती। सो वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेन्स। विल जस्ट शेयर इट लाइक दैट। फिर दरमियान में कहीं पर ज़्यादा होती है लाइट, कहीं पे कम होती है। मैं यूजुअली
दरमियान में इसको ज़्यादा डार्क कर देती हूँ। अगर आप नोट करें तो यहाँ से एक हल्की सी आँख के अंदर एक जगह सी होती है, शेड जो हैं वो थोड़े से रिंकली से होते हैं। आँख के नीचे ये जो आई बैग है ये इट्स समथिंग लाइक दैट, ऊपर से डार्क होगा और वो नीचे आता आता लाइट होता जाएगा। अगेन मोर शेड्स ओवर हियर। शेड्स हमने ऐसे देने हैं कि लेट्स मेक दिस पोर्शन डार्कर एंड द अदर वन लेट्स मेक देन लाइटर। वो मैंने इसलिए सोचा कि इस ट्यूटोरियल पे ग्लव ना पहनूं और बता दूं कि मेरे हाथ में कुछ छूट नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक इट मोर डार्क। लेट्स मेक इट राउंड बिकॉज़ दैट्स हाउ आवर स्किन इज। यहां से हम इनको शुरू करते हैं सो वी कैन सी ओके। इसी तरह से हमारी नीचे भी लैश होती है, वो थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट होती हैं कि एक तो वो छोटी होती हैं, दूसरी उनकी जो नीचे से अरेंजमेंट होती है सम टाइम्स इट्स लाइक दैट। आईब्रोज होती हैं वो बेसिकली हम इनको बड़े आराम से बना सकते हैं अगर हम इन्हें दो पोर्शंस में डिवाइड कर लें। हमारे जो लैश के बाल होते हैं वो बेसिकली दो पोर्शन में आते हैं। इस पोर्शन में जो बाल होते हैं वो इस साइड पे जाएंगे ये, और इस पोर्शन के जो बाल होते हैं वो। अब हमने जब ये बनाया तो हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। वी कैन ब्लेंड ईदर बाय अ फिंगर और वी कैन यूज दिस टूल। अब हम थोड़ी सी डार्क कर लेंगे एंड नाउ वी हैव टू मेक द रियल डील। So we have given some shear in it. इनको हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे तो हम इसके कॉर्नर जो हैं उनको हल्का सा डार्क कर देंगे। लेट्स हैव अ टिश्यू पेपर एंड लेट्स रोल इट ऑन योर फिंगर। जो एक्स्ट्रा चाकूल है इसको हमें रिमूव करना चाहिए। अब ये वाले जो हमने जगह ख़त्म करनी है उसके लिए ऑफ कोर्स हम आउटलाइन ख़त्म करने के लिए वी नीड टू गिव सम शेड्स एंड गिविंग शेड्स अराउंड लैशेस इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। बट दिस वाइट बेसिकली साइन, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरी अक्सर तस्वीरें इसी बात पे वापस आ जाती हैं राबी आपने साइन नहीं किया, सो आई होप दैट नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू मेक बेटर देन मी। थैंक यू।